एक्टर सिद्धार्थ को मिल रही हैं जान की धमकियां उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल ने किया है उनका नंबर लीक बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ ने हाल ही में अपने जन्मदिन मनाया था जहां उन्हें लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिस खबर का ताल्लुक इस बात से भी है कि वो पिछले कई सालों से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और अब उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो खबर सामने आई है वो ये है कि एक्टर सिद्धार्थ का नंबर हो चुका है लीक जिसके बाद से उनको कई कॉल्स आ रही हैं और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं उन्हें कई लोग गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं एक्टर सिद्धार्थ का इल्जाम है कि उन, उनका नंबर तमिलनाडु बीजेपी और आईटी टी सेल ने लीक किया है इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने एक लेटेस्ट ट्वीट में दी है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनका नंबर तमिलनाडु बीजेपी और बीजेपी तमिलनाडु आई टी सेल ने लीक किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के अंदर अंदर उन्हें और उनकी फैमिली को 500 से ज्यादा कॉल्स आ चुकी हैं जिसमें उन्हें गालियां दी जा रही हैं और रेप और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं उनका कहना है कि उन्होंने इन सारे नंबर्स को रिकॉर्ड कर लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है और उनका कहना है कि अब वो चुप नहीं रहेंगे कोशिश करते रहेंगे अपने इस ट्वीट में उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी टैग किया है सिद्धार्थ ने, ने एक दूसरे ट्वीट में मैसेज का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये उन सोशल मीडिया पोस्ट में से एक है जिनमें बीजेपी तमिलनाडु के मेंबर्स उनका नंबर लीक कर रहे हैं और लोगों से उन पर अटैक करने और उन्हें तंग करने की बातें कर रहे हैं सिद्धार्थ का कहना है वो शायद कोविड नाइन्टीन से लड़ भी लें लेकिन क्या वो इस तरह के लोगों से लड़ पाएंगे एक्टर ने अपने फैंस से सपोर्ट की अपील की थी और उनके फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थ पिछले कई सालों से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है सिद्धार्थ बहुत अच्छे एक्टर हैं उन्होंने हिट बॉलीवुड फिल्म रंगते बसंती में दमदार अदाकारी की थी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हम हर खबर आप तक पहुँचा सकें